नियमित कृषि उपज मंडी गुरुवार को 5 दिन की छुट्टियों के बाद शुरू हुई। मंडी शुरू होने के साथ ही मंडी में सभी जिंसों की लगभग 41,000 बोरियों की आवक रही। गुरुवार को जिंसों की आवक इतनी रही कि स्टेशन मार्ग पर लंबा जाम लग गया। जाम को खुलवाने के लिए पुलिस व यातायात विभाग द्वारा व्यवस्था संभाली गई। मंडी सचिव सतीश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन व तीज त्योहारों के चलते कृषि उपज मंडी 5 दिनों तक बंद थी। वही 5 दिन की छुट्टियों के बाद गुरुवार को कृषि उपज मंडी शुरू हुई, जिसमें सभी जिंसों गेहूं, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, चना, रायला, धनिया, मेथी, मूंगफली, पोस्ता सहित अन्य मंडी में किसान लेकर पहुंचे। गुरुवार को सबसे अधिक आवक लहसुन, सोयाबीन और गेहूं की रही। मंडी में लहसुन की लगभग 15,000 बोरी की आवक रही, जिसका अधिकतम मूल्य 12,000 रुपए बिका। सोयाबीन की 10,000 बोरी की आवक रही, वही 7100 रुपए बिकी। गेहूं की लगभग 12,000 बोरी की आवक रही, जो अधिकतम 2100 रुपए बिकी। इस प्रकार गुरुवार को पोस्ता की 200 बोरी की आवक रही, जिसका अधिकतम भाव 140 बिका। मंडी सचिव सतीश पटेल ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते शासन के सभी नियमों का पालन कृषि उपज मंडी में कराया जाए। आज करीब 5 दिन बाद मंडी खुली है और सबसे ज़्यादा गेहूं और लहसुन की आवक है, उसके बाद सोयाबीन की आवक है, क्योंकि सोयाबीन के भाव जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो किसान भाइयों की इसमें रुचि है, तुरंत अपना माल निकाल के बेचें। उसके बाद गेहूँ अच्छा चल रहा है, लहसुन चल रहा है। सर लगभग कितनी आवक यहाँ पर हुई? लगभग टोटल करीब होगी 40 से 42 हज़ार बोरी की। ये सोयाबीन की है? नहीं, टोटल सारी जिंसों की। सारी जिंसों की 40 से 42 हज़ार के लगभग। सर भाव में कोई उतार चढ़ाव? भाव में भी सोयाबीन में तेजी है, गेहूँ भी ठीक चल रहा है और लहसुन में भाव स्थिर है, इसलिए किसान माल बेच रहा है। सर कोरोना गाइडलाइन को लेकर के किस प्रकार से किसानों को? हम किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को सूचना प्रसारण के माध्यम से, ध्वनि विस्तार यंत्रों के माध्यम से निरंतर बोलते जा रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखें, किसी के पास मास्क नहीं तो हम मास्क भी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि इस कोरोना महामारी से